अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, माइकी सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल में सब दोस्तों को खुश आमदीद। आज मेरे पास एक लैपटॉप है एप्पल का A1398। आज मैं आप दोस्तों को बताऊंगा कि इसको हम कन्वर्ट कैसे करेंगे और ये हम क्यों कन्वर्ट करते हैं जब हमारा लैपटॉप बहुत ज्यादा हैंग हो रहा हो या बहुत ज्यादा इसमें लाइंस वगैरह आ रही हो, तो तब हम इसको कन्वर्ट करते हैं और ये इंटेल चिप पर हम स्विच करते हैं। चलिए वीडियो का आगाज करते हैं और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और कॉमेंट्स में अपनी राय दिया करें। चलिए वीडियो का आगाज करते हैं। फ्रेंड्स, मैंने ये इसका मदरबोर्ड ओपन कर लिया है और इसका सबसे पहले मैं आप दोस्तों को पार्ट नंबर दिखाता हूँ। इसका पार्ट नंबर है 820-3332-A। इसका हम अब GPU डिसेबल करेंगे क्योंकि ये मदरबोर्ड हैंग हो रहा है। सबसे पहले आप दोस्तों ने ये वाली दो कॉइल्स रिमूव करनी हैं। ये देखिए, जिन पर मैंने क्रॉस लगाया है ये कॉइल्स मैंने रिमूव कर दी हैं। अभी मैं आपको चेक करवाता हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने दोनों कॉइल्स उतारी हैं। जैसे जैसे मैं मदरबोर्ड पर वर्किंग कर रहा हूँ उसी तरीके से आप दोस्तों ने वर्किंग करनी है। उसके बाद आप दोस्तों ने ये जो सी चिप है इसका एक पॉइंट छोड़कर दूसरा, तीसरा और चौथा पॉइंट को आपस में शॉर्ट करके इस पॉइंट के साथ रेजिस्टेंस की टॉप पर आप दोस्तों ने लिंक कर देना है। अभी मैं आप दोस्तों को जूम करके भी चेक करवाऊंगा। फ्रेंड्स, आपने इन तीनों पॉइंट्स को पेपर कटर की मदद से खुरच लेना है ताकि इनका ऊपर से कार्बन ख़त्म हो जाए और इन पे सोल्डर लगा लेना है। ये देखिए, एक दो तीन और ऊपर वाली उस IC की रेजिस्टेंस के साथ लिंक कर देना है। तीन पॉइंट्स नीचे वाले और ऊपर से एक IC का रेजिस्टेंस के साथ लिंक कर देना है आप दोस्तों ने। और अब दूसरी साइड पे आपने इस IC का नीचे वाला हिस्सा लेना है और उस कैपेसिटर की ऑपोजिट साइड और वो नुक्ता आपस में लिंक कर देना है। ये वाला नुक्ता आपस में लिंक कर देना है कैपेसिटर के साथ और उसको आपस में लिंक करना है IC की 5 नंबर या 6 नंबर पिन के साथ। मैं भी कंफर्म करके आपको बताता हूँ। ये आपस में लिंक करना है कैपेसिटर और वो पॉइंट। IC की 5 नंबर पिन को आपने कैपेसिटर और उस नुक्ते के साथ लिंक कर देना है। उम्मीद है फ्रेंड्स आप दोस्तों को ये प्रॉपर नज़र आ रहा होगा। ये देखिए, IC की आपने इस पिन को लिंक करना है कैपेसिटर और नुक्ते के साथ, जो कि बहुत ही इजी है लिंक करना। फोकस करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप फ्रेंड्स को प्रॉपरली नज़र आए। उसके बाद आप दोस्तों ने अपने मदरबोर्ड की साइड पलटनी है और आप दोस्तों ने प्रोसेसर के करीब जूम करके आप दोस्तों को चेक कराता हूँ मैग्नीफायर से। ये देखिए, जो सी NVIDIA चिप के पास, ग्रीन चिप के पास एक नुक्ता है, इसको आप दोस्तों ने IC की पिन नंबर 15 से लिंक करना है। इस नुक्ते को आप दोस्तों ने IC की पिन नंबर 15 के साथ लिंक कर देना है।
इस नुक्ते को आपने इस आईसी की इस पिन के साथ लिंक कर देना है। ये देखिए फ्रेंड्स, मैग्नीफायर से आप दोस्तों को जूम करके दिखाता हूँ, रेजिस्टेंस की पॉइंट्स के पास से आप दोस्तों ने आईसी की पिन को लिंक कर देना है, सॉरी पिन नंबर 12 के साथ लिंक करना है आप दोस्तों ने। इस पॉइंट के साथ लिंक करके पिन नंबर 12 के साथ लिंक करेंगे और आप दोस्तों का मदरबोर्ड जो सा होगा कन्वर्ट हो जाएगा। ये देखिए मैं दोबारा दिखाता हूँ आपको, ये आपस में लिंक करना है आपने बस। उम्मीद है फ्रेंड्स आप दोस्तों को ये छोटी सी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आप दोस्तों ने इस वीडियो से कुछ भी सीखा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके ऊपर तमाम वर्किंग करके आप दोस्त इसको लैपटॉप की लिंक वगैरह लगाएंगे तो आपका तमाम प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह आप दोस्तों से नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।